में एक पुल ढह गया और इस बार मोतिहारी में पुल गिरा है। हालांकि ये निर्माणाधीन पुल था, करीब 1.5 करोड़ की लागत से इसे बनाया जा रहा था। बिहार में एक हफ्ते में तीसरा पुल गिरा है और मोतिहारी में निर्माणाधीन पुल गिर गया, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। एक और पुल बिहार में ध्वस्त हो गया। बिहार में हाल ही के दिनों में तीसरा पुल गिरा है। मोतिहारी से पहले अररिया और सीवान में भी पुल गिर चुके हैं। यहां पर एक हफ्ते के भीतर तीसरा पुल ढह गया है और आज की घटना मोतिहारी में हुई है। इससे पहले अररिया और सीवान में भी पुल गिर चुके हैं। ये निर्माणाधीन प्रोजेक्ट था जिसकी अनुमानित लागत 2 करोड़ के करीब बताई गई थी। काशी नगरी में बारिश के लिए इंद्रदेव को खुश करने की खातिर अनोखा उपाय किया गया। शहनाई बजाकर बारिश की कामना की गई। देखिए, भोले की नगरी काशी में इस बार प्रचंड गर्मी से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब पारा 40 डिग्री के नीचे आया है। लोग अब मानसून का इंतजार कर रहे हैं। इंद्रदेव की मेहरबानी हो जाए इसके लिए पवित्र गंगा नदी में खड़े होकर शहनाई वादकों ने प्रसन्न करने की कोशिश की। शहनाई की धुन छेड़कर बारिश की कामना की है। गर्मी से बेहाल है लोग, इसलिए मैं भगवान बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद लेके चलता हूँ मंदिर से। माँ गंगा का चरण छू के मैं प्रणाम करता हूं, उनको माला फूल अगरबत्ती जला करके भगवान इंद्र को मैं समर्पित करता हूं। और भगवान इंद्र से विगत वर्षों के भांति इस वर्ष भी मैंने प्रार्थना किया कि हे नाथ, बारिश कम से कम हो जाए, जो काशी की जनता ने पूरे देश की जनता को राहत मिले, किसान। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अपनी सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लू का असर कम हुआ है, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गर्मी अभी बनी रह सकती है। कहा जा रहा है कि 24 जून तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50% जगहों पर बारिश होगी। 26 जून से मॉनसून के आने की संभावना है। शुक्रवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई, खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। 26 जून तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। वाराणसी से रवि पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। 24 से 30 जून तक भारी से भारी बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया है। तेज हवाओं के साथ तेज बारिश की संभावना है। पहाड़ में कई जगहों पर बारिश हो रही है और जल्द ही मानसून की उत्तराखंड में एंट्री होने वाली है, लिहाजा मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन के आगे मॉनसून से निपटने की चुनौती है। कुमाऊं कमिश्नर ने मॉनसून को लेकर निर्देश जारी किए हैं। कुमाऊं मंडल के सभी डीएम को तेज बारिश से पहले नालों की सफाई के साथ पहाड़ी इलाकों में कलवट को तोड़ने को कहा गया है। तो संवेदनशील क्षेत्रों में जेसीबी मशीन मॉनसून के दौरान 24 घंटे तैनाती उनकी रहे, ये सुनिश्चित किया जाए। वहीं आपदा संभावित इलाकों में राशन दवा के साथ कनेक्टिविटी को बनाए रखने को कहा गया है। इसके साथ ही कुमाऊं मंडल के अधिकारियों को मॉनसून की एसओपी पर अमल करने के लिए कहा गया है। शहरी क्षेत्रों में नाले खुले रहें, बाकी जो ग्रामीण क्षेत्रों में कलवट से ये खुले रहें और नालियां साफ हो जाएं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही बनती है सड़क के डैमेज का भी और सड़क बंद होने का भी। सेकेंडली, इस बार वनाग्नि बहुत ज्यादा हुई है काफी जगह, तो वनाग्नि की वजह से ऊपर की हमारी जो सॉइल लूज हो गई है, काफी जगहों पे स्लाइड्स हो सकते हैं, तो उन जगहों को पहले से चिन्हित करना होगा।
वहाँ पे आसपास हमारी जेसीबीज होनी चाहिए।